फिर उसी तरीके से यहाँ लिख देना यू, यहाँ लिख देना बी और यहाँ लिख देना डब्ल्यू। ये एक एक्स्ट्रा हो गया, इसको हटा देते हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ना ये हटा दो। चलो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे U है, यहाँ पे U है, क्या U और U के बीच में कनेक्शन है इस ग्राफ में? नो सर। बोलो U और U के बीच में कनेक्शन तो है? सर चल ही नहीं रहा। नो सर। कनेक्शन कहने का मतलब सेल्फ लूप डिफाइन है U पे? नहीं है। जिसके लिए नहीं है उसके लिए जीरो डाल देंगे, तो ये लिख देंगे जीरो। ये टेढ़ा मेरा लिखा रहा उस पर मत जाना जी, पेंट है सही से नहीं हो पा रहा। फिर से देखो, U से V के बीच में लाइन है, U से V के बीच में? यस सर। यस सर। अगर लाइन है तो उसके लिए वन लिख देना, वन। जिसके लिए नहीं है कनेक्शन उसके लिए जीरो, जिसके लिए है उसके लिए वन। फिर देखो, U से W के बीच में है? यस सर। यस सर। है सर। लिख दो वन। अब सेकंड लाइन में आते हैं, V से U का है? V से U है। यस सर। वन लिख दो। फिर V से V नहीं है, जीरो। फिर भी से डब्ल्यू वन वन। नीचे वाला बताओ तो फटाफट, अगर समझ गया तो क्या होगा? यहाँ वन जीरो वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे जीरो जीरो। वाह, समझ गए तुम लोग। किसी को दिक्कत है बताइए। नो सर। हाँ सर। चलो हम अपने स्लाइड पे आ जाते हैं फिर से। स्लाइड में गलत था इसीलिए पेंट का यूज करना। देखो तो अब इस फिगर में समझो, तो यहाँ पे दिया हुआ है बी यू डब्ल्यू, मान लो यहाँ पे ई वन ई टू ई थ्री दिया हुआ है, तो कह रहा है क्या बी से ई वन का कनेक्शन है? यस सर। है ना, बी से ई वन का कनेक्शन, उसके लिए वन दे दिया। फिर भी से E2 का कनेक्शन है? भी से E2 का नो सर, नो, जीरो दे दिया। फिर भी से E3 का कनेक्शन है? तो भी से E3 का है, तो वन लिख दिया। है ना, आप यहाँ पे वर्टेक्स या एज कोई भी यूज कर सकते हो, पीछे भी जो हम बता रहे थे वो भी सही था। फिर U से E1 का, U से E1 का है कनेक्शन, तो वन दे दिया। U से E2 का, U से E2 का भी है, तो वन दे दिया। U से E3 का, U से E3 का नहीं है, है ना, E3 से VW के बीच में, तो जीरो दे दिया। सिमिलरली W से E1 का है कनेक्शन, W से E1 का कनेक्शन नहीं है, तो जीरो दे दिया। E2 का है कनेक्शन, तो वन दे दिया, और E3 का कनेक्शन है तो वन दे दिया। ये आपका इंसिडेंस मैट्रिक्स कहलाता है। सबको आया समझ में कि नहीं आया किसी को? आ गया। चलिए नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर देखिए। ये ग्राफ है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये ग्राफ है ए बी सी डी, ये ग्राफ है ए बी सी डी, ठीक है। अब इसका ये मैट्रिक्स कह रहा है लिखने के लिए, ये लाइनिंग दिया हुआ जो जो भी इसका कह रहा है मैट्रिक्स लिखने के लिए, आपको लिख लेंगे ना? यस सर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, इसमें गलत दिया हुआ है ए का, इसमें कौन सा ग्राफ है ये? वेटेड ग्राफ कहा जाता है इसको, अगर किसी एज के ऊपर में कुछ वेट असाइन किया हुआ हो। सुनिए ध्यान से, जैसे ए से डी के बीच में, ये तो एज है ही है। आप कहेंगे सर एज का नाम टू है, एज का नाम टू नहीं है, ये टू वेट दिया हुआ है। ए से डी के बीच में जाने के लिए वेट टू है। इसी तरीके से डी से बी के बीच में थ्री वेट है, ए से बी का, बी के बीच का वेट है वन। ऐसे ग्राफ को वेटेड ग्राफ कहा जाता है, जहाँ पे एज के रिस्पेक्टिव कुछ ना कुछ वेट लिखा होता है, तो ये वेटेड ग्राफ है। तो जब भी आप इसका मैट्रिक्स लिखेंगे ना, तो जैसे देखिए ए से डी का कनेक्शन यहाँ पे टू आ रहा है, तो आप यहाँ पे कनेक्शन मिला है तो टू ही लिखेंगे। फिर डी से बी है जहाँ पे मिलेगा थ्री ही लिखेंगे, वन का यूज नहीं करेंगे, और जिसका कनेक्शन नहीं होगा उसके बदले जीरो यूज करेंगे। समझे क्या हम बता रहे हैं कि नहीं समझे? या सर समझ गए। जिसका जिसका कनेक्शन होगा और कुछ नंबर नहीं लिखा रहेगा तो उसके जगह पर वन लिखेंगे। जैसे सर जी ए से सी है, ए से सी में जीरो लिखाएगा। ए से सी में, ए से सी के बीच में कनेक्शन है ना,
नमक तो है दिया हुआ, पाइप तो है दिया हुआ ना। है सर। हाँ तो जिसके लिए नहीं कुछ दिया हुआ है ना उसके लिए जीरो लिखेंगे, लेकिन जिसके लिए कनेक्शन एस्टेब्लिश किया हुआ है ना वेटेड ग्राफ में उसका वेट ही लिखेंगे, वन नहीं लिखेंगे, वन लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? वेटेड ग्राफ में जैसे ए से डी लिखना होगा ना तो वेट आप टू लिखेंगे, वन नहीं लिखेंगे। वहाँ ए से बी लिखा हुआ है तो वेट चूंकि वन दिया हुआ है इसलिए वन ही लिखेंगे। ए से सी लिखेंगे तो फाइव लिखेंगे, वन नहीं लिखेंगे। जिसका कनेक्शन मिलेगा वेटेड ग्राफ के लिए हम सेम वेट ही को नोट करते हैं, वन नहीं लिखते हैं। और जिसका कनेक्शन नहीं होगा उसके लिए आप जीरो लिखेंगे। बना लीजिएगा इसको भी, जब कॉपी में लिखिएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्शन कर लीजिएगा, जीरो वन नहीं लिखिएगा, वेटेड ग्राफ में सेम वेट ही होता है। नेक्स्ट नंबर देखिए, एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स भी सेम है। देखिए अभी हम बात कर रहे थे है ना, तो इंसिडेंस मैट्रिक्स में चूंकि आप पढ़ चुके हैं एडजेसेंसी और इंसिडेंस, हम पीछे ही बात कर चुके हैं, तो इंसिडेंस में हम किसको देखते हैं, एज को देखते हैं है ना, और एडजेसेंट में किसको देखते हैं, वर्टेक्स को देखते हैं। याद है कि नहीं है? देखिए अभी पीछे हम बता रहे थे। यस सर, वर्टेक्स टू वर्टेक्स एंड वर्टेक्स टू एज। देखो ना सबको याद नहीं होगा जी, हम समझ रहे हैं, पढ़ाई नहीं हुआ याद कहाँ से होगा। देखो हम पॉइंट बताए हुए थे वर्टेक्स और ये, हाँ भैया ये देखो एडजेसेंट और इंसिडेंट, देखो क्या लिखा हुआ एडजेसेंट में, अ वर्टेक्स कनेक्टेड टू अ वर्टेक्स, और इंसिडेंट में क्या लिखा हुआ, अ वर्टेक्स कनेक्टेड टू एन एज। इंसिडेंस में वर्टेक्स और एज के बीच में देखते हैं और एडजेसेंट में वर्टेक्स टू वर्टेक्स देखते हैं। इसीलिए जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे तो ये चूंकि आपका इंसिडेंस मैट्रिक्स था इसीलिए हम ऊपर में E1 E2 E3 लिख रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे फिर से एडजेसेंसी मैट्रिक्स का तो इधर भी वर्टेक्स लिखेंगे, इधर भी वर्टेक्स लिखेंगे, क्योंकि वर्टेक्स टू वर्टेक्स लिखा जाता है। क्लियर? ये तो आप समझ में आएंगे, आप पीछे ही बता चुके हैं। जैसे बी से यू है कनेक्शन, बी से यू तो बी यू के बदले वन लिखेंगे, बी भी नहीं है तो जीरो लिखेंगे। उसी तरीके से बी से डब्ल्यू के बीच में एस्टेब्लिश है कनेक्शन तो वन लिखेंगे। ऐसे ही सिमिलरली पूरे को पूरा कर लेंगे। आ गया समझ में सबको? यस सर। यस सर। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको भी आप बना लीजिएगा। एडजेसेंसी मैट्रिक्स लिखना है इसका, रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप कॉपी नहीं कीजिएगा, आप अपने मन से खुद से लिख लीजिएगा। इसका भी लिखा हुआ, अब ये देखिए डायरेक्टेड है, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है बी यू डब्ल्यू, यहाँ लिखा हुआ है बी यू डब्ल्यू, तो बी से बी तो नहीं है, लूप नहीं चला हुआ तो जीरो डाल दिए। फिर बी से यू, बी से यू देखिए बी से यू की तरफ एरो जा रहा है तो इसके लिए वन लिखेंगे। लेकिन जब यू से बी आएगा ना, यहाँ पे यू से जब बी आएगा तो देखिए जीरो लिखा हुआ, क्योंकि यू से बी की तरफ कनेक्शन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा अनडायरेक्टेड में तो दोनों के लिए वन वन होगा, लेकिन डायरेक्टेड वाले ग्राफ में जिधर पाथ असाइन किया हुआ है उधर ही हम वन देंगे, जिधर नहीं है उसके लिए हम जीरो देंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा डायरेक्टेड ग्राफ। ये फिर नेक्स्ट फिगर है ना, एडजेसेंट वर्टेक्स पूछ रहा है, ये तो बहुत आसान है। देखिए इसमें कह रहा है क्या, ये ग्राफ दिया हुआ, ये टेबल क्या कह रहा है, पहले आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यूज एडजेसेंटी लिस्ट टू डिस्क्राइब द सिंपल ग्राफ गिवन बिलो। एडजेसेंट वर्टेक्स कह रहा है लिखने के लिए। जैसे देखिए वर्टेक्स हम ए को चूज किए हैं तो ए से कौन कौन सा वर्टेक्स डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ए से बी जुड़ा हुआ डायरेक्टली, ए से सी जुड़ा हुआ है, ए से ई जुड़ा हुआ, ए से डी डायरेक्टली नहीं जुड़ा है, तो ए का एडजेसेंट हो जाएगा बी सी ई। उसी तरीके से बी, बी का एडजेसेंट कौन सा होगा, सिर्फ ए होगा, बाकी किसी के साथ नहीं जुड़ा है तो ए लिख देंगे। फिर सी, सी किस किस से जुड़ा हुआ है, ए के साथ जुड़ा हुआ है, ई के साथ जुड़ा हुआ है और डी के साथ जुड़ा हुआ है, तो लिख लिया ए डी ई। डी किसके साथ जुड़ा हुआ है, ई के साथ जुड़ा हुआ और सी के साथ जुड़ा हुआ, तो लिख दिया सी को ई। ई किसके साथ जुड़ा हुआ है, ई जुड़ा हुआ ए के साथ, सी के साथ और डी के साथ, तो लिख दिया ए सी डी। तो ये एडजेसेंट वर्टेक्स बना दिया है ना। ये दूसरा नंबर एग्जांपल है, क्या कुछ बोल ले कुमोद क्या? ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म लिखा था, उसका मतलब क्या? अभी हम आगे बता रहे हैं आइसोमॉर्फिज्म, अभी हम नहीं बताए हैं, हम अगला स्लाइड में वही है। देखिए ये एग्जांपल नंबर टू है, इसका भी लिखना है इनिशियल वर्टेक्स टर्मिनल वर्टेक्स। इनिशियल और टर्मिनल इसलिए वर्ड यूज कर रहा है क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है, डायग्राफ है ना। तो जैसे देखिए अगर हम इसके लिए बात करेंगे ए से बी की तरफ में, तो एरो किधर की तरफ लगा हुआ है, इस साइड में लगा हुआ है, तो ये टर्मिनल हो जाएगा।
है ना, जहाँ से स्टार्ट हुआ वो आपका इनिशियल हो जाएगा। तो ग्राफ देख लीजिएगा और ये टेबल भी आप बना लीजिएगा। आई थिंक आप पीछे समझ ही चुके हैं, है ना, पीछे हम बताए हैं एडजेसेंट लिखना, तो वो आप समझ चुके हैं, वो वैसे ही लिख लीजिएगा इसको। ये भी आप लिख लीजिएगा, एडजेसेंसी लिस्ट लिखना है, यू का, बी का, डब्ल्यू का, तीनों का आप देख के लिख लीजिएगा यहाँ से, ग्राफ देख के आप फिर से टेबल बना कर, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। ये भी सेम है, एक में अनडायरेक्टेड दिया हुआ है, दूसरे में डायरेक्टेड दिया हुआ, एक में एडजेसेंट लिखिएगा और एक में इनिशियल और टर्मिनल करके लिखिएगा, है ना। इनिशियल टर्मिनल मतलब वही हुआ, एडजेसेंट नोड ही लिख रहे हैं, लेकिन चूंकि डायरेक्टेड है इसीलिए इनिशियल और टर्मिनल लिखा जा रहा है। सेम क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है, सूडोग्राफ दिया हुआ है, इसके लिए भी आप लिख लीजिएगा, है ना, ये क्वेश्चन भी आप बना लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे आते हैं, पीछे जितना दिया हुआ है सारा क्वेश्चन क्वेश्चन है, आप अपने नोट्स कॉपी में बना लेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। यस सर, समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर, समझ रहे हैं। चलो नेक्स्ट नंबर टॉपिक है आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ या आइसोमॉर्फिक ग्राफ। इसमें क्या लिखा हुआ है, g1 इज इक्वल्स टू v1 कॉमा e1 होता है, यहाँ e2 लिखा गया, e1 लिख लेना। पहला ग्राफ है g1 जिसमें वर्टेक्स का सेट है v1 और एज का सेट है e1। दूसरा ग्राफ है g2 जिसमें वर्टेक्स का सेट है v2 और एज का सेट है e2। आर आइसोमॉर्फिक इफ देयर इज अ 1-to-1 एंड ऑन टू फंक्शन f फ्रॉम v1 टू v2 विद द प्रॉपर्टी दैट A and B are adjacent in G1 if and only if FA and FB are adjacent in G2 for all A and B in V1. Function F is called isomorphic. ये समझ में आया कि नहीं आया, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बताइए तो, क्या कह रहा था? किसी को समझ में आया तो बताइए तो, स्लाइड आगे बढ़ा दिए क्या हमने, स्लाइड तो है, किसी को समझ में आया तो बताइए तो, क्या लिखा हुआ? दो ग्राफ G1 एंड G2 आइसोमॉर्फिक तभी हो सकता है जब उसमें 1-to-1 और ऑन टू फंक्शन V1 तरफ जाए, ये प्रॉपर्टी। 1-to-1 फंक्शन क्या होता है, 1-to-1 फंक्शन क्या होता है? तो जिसका एक एलिमेंट मतलब जिसका कोई दूसरा एलिमेंट प्री इमेज नहीं हो, वो खुद का हो। और कोई स्टूडेंट बताइए तो, और कोई बता सकते हैं? और किन्हीं को समझ में आया तो बताइए। चलो वहां से बताओ, फिगर से बताओ तो, अगर फिगर से किसी को समझ में आ रहा तो यही फिगर से ही बताओ। नहीं बोलो ना हाँ चाहे नहीं, तुम लोग बोलते नहीं, यही गड़बड़। सर इसमें 1-1 बताना। आइसोमॉर्फिक ग्राफ किसी को समझ में आया कि नहीं आया? बहुत गुस्सा आ जाता है तुम लोग, नहीं समझ आया बोलो ना, तुम्हारा सर क्या कह रहा है नहीं समझ पा रहे। माही कुछ बोल रहे थे, बोलो तो समझ में आया कि नहीं? नहीं सर। अब सुनो हम आसान लैंग्वेज में बता रहे हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे फिगर में देखिए, ये दो ग्राफ है, ये पहला ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है, इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना है? Four. Four. और इसमें कितना है? Four. Equal है? है. Yes, sir. इसमें number of edges कितना है? Four है. और इसमें? इसमें भी four है. इसमें भी. Equal है ना? है. इसमें U1 का degree कितना है? 2. U2 का degree है 2. U3 का डिग्री है 2 और U4 का डिग्री है 2, मतलब डिग्री 2 वाला कितना वर्टेक्स है? 4। इसमें देखो, इसमें डिग्री 2 वाला कितना वर्टेक्स है? डिग्री 2 वाला 4 है। B1 का भी डिग्री 2, इसका भी डिग्री 2, इसका भी डिग्री 2, इसका भी डिग्री 2, सब आपस में इक्वल है ना। अगर किसी दो ग्राफ के अंदर में, किसी दो ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टिसेस भी इक्वल हो, नंबर ऑफ एजेस भी इक्वल हो
और डिग्री भी सेम सेम हो, ये नहीं कि इसका अगर यू का डिग्री दो है तो इसमें भी यू का डिग्री दो होगा, हम ऐसा बात नहीं कर रहे हैं। कहने का ये मतलब कि अगर इसमें डिग्री दो वाला चार वर्टेक्स है तो इसमें भी डिग्री दो वाला चार वर्टेक्स होना चाहिए, अगर इसमें डिग्री दो वाला दो वर्टेक्स है और डिग्री वन वाला एक वर्टेक्स है तो इसमें भी सेम सेम होना चाहिए। मतलब इसमें भी डिग्री दो वाला अगर दो है और डिग्री वन वाला एक है तो इसमें भी डिग्री दो वाला दो और डिग्री वन वाला एक होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी दोनों ग्राफ आपस में आइसोमॉर्फिक ग्राफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया कुछ कुछ? यस सर आ गया। यस सर आ गया। अभी पूरा पूरा समझ में आ जाएगा अगले वाले ग्राफ। इसमें देखो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना है चार, इसमें कितना है चार, इक्वल है। नंबर ऑफ एजेस कितना है चार, इसमें भी नंबर ऑफ एजेस चार है। इसमें देखो इसमें यू वन का डिग्री दो है, इसका भी दो है, इसका भी दो है, इसका भी दो है, मतलब डिग्री चार, डिग्री दो वाला चार वर्टेक्स है तो इसमें भी डिग्री दो वाला चार वर्टेक्स होगा। देखो एक दो तीन चार इक्वल है ना, मतलब जी और एच भी आपस में आइसोमॉर्फिक ग्राफ है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट नंबर स्लाइड में देखिए, इसमें इस दोनों के बीच में पूछ रहा है दोनों आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है। चलिए देखिए वर्टेक्स कितना है, एक दो तीन चार पांच, इसमें भी देखिए एक दो तीन चार पांच इक्वल है। एज देखिए, एज कितना है, एक दो तीन चार पांच छ, इसमें भी छह होगा, एक दो तीन चार पांच छ इक्वल है, वर्टेक्स भी इक्वल, एज भी इक्वल। अब आपको क्या देखना पड़ेगा, डिग्री। इसमें डिग्री दो वाला देखिए तो कितना वर्टेक्स है, ए का भी डिग्री दो है, ई का भी डिग्री दो है और सी का भी डिग्री दो है। डिग्री दो वाला कितना हुआ पहले वाले में, थ्री थ्री, तो इसमें भी देखो डिग्री दो वाला थ्री होगा। ई का डिग्री दो है, डी का डिग्री दो है और बी का डिग्री दो है, मिल गया ना। इसमें डिग्री तीन वाला कितना वर्टेक्स है, डिग्री तीन वाला एक इधर है, डिग्री तीन वाला कितना वर्टेक्स है, दो है, बी का डिग्री तीन है और डी का डिग्री तीन है, तो डिग्री तीन वाला इसमें भी दो ही होगा। देखो बी का डिग्री कितना, सॉरी सी का डिग्री कितना है और ए का, ए का डिग्री सी इक्वल है ना। यस सर, तो ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक ग्राफ होगा। दो ग्राफ आइसोमॉर्फिक तभी हो सकते हैं जब दोनों में वर्टेक्स का नंबर इक्वल होगा, एज का नंबर इक्वल होगा और डिग्री भी दोनों में सिमिलर होगा, है ना, किसी एक पर्टिकुलर वर्टेक्स का नहीं। ऐसे आपको देखना है कि अगर इसमें डिग्री दो वाला एक है तो इसमें भी डिग्री दो वाला एक होगा, इसमें डिग्री दो वाला तीन है तो इसमें भी तीन है, इसमें डिग्री दो वाला चार है तो इसमें भी चार। ऐसे ऐसे कंपेरिजन आप करेंगे, अगर इक्वल हो रहा है तो दोनों ग्राफ आपस में आइसोमॉर्फिक ग्राफ होगा। क्लियर है सबको, समझ में आया ना? यस सर। चलिए ये बताइए तो ये दोनों ग्राफ आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है, ध्यान से देख के बताइएगा, सॉल्यूशन मत पढ़िएगा, ये दोनों बताइए आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है। नहीं सर, नहीं होगा, इससे पहले तीन वाला पहले ही तीन को मिल गया है, पहले वाला में दो ही है। हाँ पहले वर्टेक्स देखते हैं हम लोग, इसमें तीन दो पांच वर्टेक्स है, इसमें भी तीन दो पांच वर्टेक्स है, इक्वल है, ठीक है। इसमें एज देखते हैं, एक दो तीन चार पांच छह एज है, इसमें एक दो तीन चार पांच छह एज है, दोनों इक्वल है, वर्टेक्स भी इक्वल, एज भी इक्वल। अब चलिए डिग्री में हम देख लेते हैं, ए का डिग्री दो है, सी का डिग्री दो है और ई का डिग्री दो है, मतलब डिग्री दो वाला तीन है। इसमें देखिए तो डिग्री दो वाला ई का डिग्री दो है और नहीं है, देखिए इक्वल ही नहीं हुआ। इसमें बी डी का डिग्री वन है लेकिन डिग्री वन वाला इसमें है ही नहीं, समझ रहे हैं, इसीलिए दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। सिर्फ वर्टेक्स और एज होने से नहीं होगा, डिग्री भी सेम सेम होना चाहिए दोनों ही ग्राफ का, क्योंकि इसमें नहीं है, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। डिग्री दो वाला इसमें तीन है, इसमें डिग्री दो वाला बस एक ही वर्टेक्स है ना, इसमें डिग्री एक वाला एक वर्टेक्स है, इसमें है ही नहीं, इसीलिए दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, ये आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है, ये तो हम बताए तो क्या पीछे, ये तो है, ये देखिए तो ये आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है, है ऐसे ही नहीं बोल दो, नीचे सॉल्यूशन पढ़ के नहीं बोलो, नहीं सर देख के बताओ आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है। ऊपर तीन गो वाला दो है तो इसमें भी तीन गो वाला दो है और सब तो सेम ही है।
सबसे पहले वर्टेक्स और एज भी ना देखना पड़ेगा जी। सबसे पहले वर्टेक्स देखो, कितना वर्टेक्स है टोटल पहले वाले में जी में? 8 है। सेकंड वाले में भी 8 है। पहले वाले में एज कितना है? 10 10 और सेकंड वाले में? इसमें भी तो 10 ही है, इसमें भी 10 से इक्वल है। अब पहले वाले में देखो, डिग्री 2 वाला कितना वर्टेक्स है? डिग्री 2 वाला 5 है। 5 है, 1 2 3 4 है। दूसरे वाले में देखो तो 4 है कि नहीं है? डिग्री 2 वाला 4 सही है। इसमें डिग्री 3 वाला देखो, पहले वाले में 2 1 2 2 2। और इसमें देखो तो 1 और सर उसमें 2 है सर, उसमें 3 हो जाएगा। किसमें? एच वाले में? वाले में एच वाले में 3 हो जाएगा। कैसे सर? एक एस भी होगा और जेड भी तो होगा सर, 3 डिग्री का ना। बीच वाला भी तो सर होगा ना। किस किस काम? नहीं समझ पा रहे क्या बोल रहे सर। जेड का भी 3 होगा, वी का भी 3 होगा और डब्लू का भी और एस का भी 3 होगा ना। हाँ, जेड का 3 है, डब्लू का भी 3 है और एस का भी 3 है, लेकिन इसमें नहीं है, यही ना। इसमें 4 तो हो जाएगा, बगल वाले में तो है ना। हाँ, दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, इक्वल नहीं हो रहा डिग्री। इसमें डी का 3 है, बी का 3 है, एफ का 3 है और एच का 3 है। 3 तो है, इसमें 4 हो गया। और इसमें हम आते हैं तो एस का 3 है, बी का 3 है, जेड का 3 है और भी 4 है। इसमें भी 4 है सर, डब्लू का भी तो है, इसमें 4 है। 4 तो इसमें भी है, कोई है सर मिसिंग हो रहा है? देखो तो ध्यान से, आइसोमॉर्फिक नहीं है ये। सब इक्वल आ रहा है क्या? ध्यान से देखो, सब इक्वल आ रहा है सर, सब इक्वल है। इक्वल तो आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 ठीक है, कुछ छूट नहीं रहा, सही इक्वल है ना? हाँ सर सही है, इक्वल। हाँ सर, इक्वल आइसोमॉर्फिक होगा, ये गलत लिखा हुआ सॉल्यूशन। सब इक्वल है तो आइसोमॉर्फिक होगा, लेकिन सारा देख लेना, ऐसा नहीं कि कोई छूट जाए। छूट जाएगा तो फिर आइसोमॉर्फिक नहीं हो पाएगा। आपको वर्टेक्स देखना है सबसे पहले, फिर एज देखना है, फिर क्रॉसपॉन्डिंग डिग्री भी देखना है, दोनों ही ग्राफ में। अगर सेम सेम आ रहा है तो आइसोमॉर्फिक होगा, नहीं आ रहा है तो नहीं होगा आइसोमॉर्फिक। चलिए, ये आइसोमॉर्फिक है कि नहीं देखे तो, ये दोनों नहीं सर, नहीं होगा, ये आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। होगा तो सब आदमी देख के बताओ। नहीं होगा। हाँ, दो दो है, होगा है। इसमें 6 वर्टेक्स है, इसमें भी 6 वर्टेक्स है, होगा। 3 एज है, 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 एज है, 2 3 5 6 7। इसमें डिग्री 2 वाला 1 2 3 4 वर्टेक्स है, इसमें डिग्री 2 वाला 1 2 3 4 वर्टेक्स है। उसके बाद डिग्री 3 वाला, इसमें 1 2 वर्टेक्स है, इसमें डिग्री 3 वाला 1 और 2 वर्टेक्स है। इक्वल तो है, ये दोनों भी आपस में इक्वल है, तो लिखा हुआ तो है यस, मतलब ये दोनों आइसोमॉर्फिक ग्राफ। समझ गया आइसोमॉर्फिक की कोई दिक्कत है बताइए? समझ गया सर। चलिए, समझ गए तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है आपका कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी में वाक पाथ ग्राफ है, छोड़िए इसको, रहने देते हैं, कल पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा है। ठीक है सर, थैंक यू। थोड़ा सा ही है, वाक पाथ ग्राफ कल के लिए थोड़ा सा बचा के रख लेते हैं, 10 मिनट लगेगा कल को इसको पढ़ने में, है ना। आप लोग का काम ये है, आप लोग का काम ये है कि हम जो स्लाइड भेजे हैं उसमें एक एक चीज को अच्छे से नोट कीजिएगा, जहां पर जो कर...